अभी मैं आता हूं सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट. नाउ वील स्टार्ट विद द स्ट्रेट अवे टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रीडेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट. उधर से शुरुआत करते हैं. डेवलपमेंट मतलब जहां ग्रीन फील्ड है, जहां कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं है, जहां कोई घर नहीं है, बंगलो नहीं है, लेकिन ओपन लैंड है, यदि उधर हम बिल्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. व्हाट इज नाउ रीडेवलपमेंट? रीडेवलपमेंट इसके लिए लगा कि यदि कोई भी रोड लैंड एनक्रोच्ड है, उधर एक बिल्डिंग है, एसआरए है या सेस बिल्डिंग है या टेनेंटेड बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, बंगलोस है, उसको तोड़ के जब आप उसको नया बनाते हो, उसको हम बोलते हैं रीडेवलपमेंट. आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर. नाउ क्वेश्चन इज कि रीडेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर देयर, लेट अस से 20 पीपल एंड 30 इयर्स 40 इयर्स वी आर स्टेइंग देयर. नाउ द बिल्डिंग नीड्स टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन. नाउ इफ यू हैव टू गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ऑल द पीपल हैव बिकम वेरी मच सीनियर सिटीजन. उनका पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है. आज वो नया बिल्डिंग बनाने को जाएगा तो उनको पैसा देना होगा, कंसेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, ये देना होगा, वो देना होगा. ये देने लिए कोई भी आदमी तैयार होता नहीं है और फिर बिल्डिंग गिरने को आता है. इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वाई नॉट ऐसे बिल्डिंग जो ज़्यादा डिलेपिडेट है और जहाँ रीडेवलपमेंट का जरूरी है, उन्होंने कोई भी अमाउंट न डालते हुए उनको एक घर देने का क्यों व्यवस्था न किया जाए. एक एफएसआई है, एक एफएसआई मतलब क्या है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स. यदि एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, उसमें हिसाब से मान लीजिए आपके पास 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, 10,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनाया और उसमें हर एक आदमी को 500-500 फुट दिया, मतलब 20 आदमी का 500-500 फुट का घर बन गया. अभी रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो वही 10,000 फुट दिया जाएगा तो शायद कोई भी आदमी पैसा डाल के बना नहीं सकता है. लेकिन गवर्नमेंट कोई भी आदमी से प्रोग्रेसिव करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा, माल लेते हैं उनको और 10,000 स्क्वायर फुट का हम प्रावधान करके देते हैं तो क्या होगा, जो भी सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट करती है या बिल्डर को लाके रीडेवलपमेंट करती है, कम से कम उनको 10,000 फुट बिना कोई खर्चा करते हुए उनको 10,000 फुट बना के मिलेगा, नया बिल्डिंग बनेगा, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं होगा और जो बाकी का 10,000 फुट है यदि दो एफएसआई देता है तो वो मार्केट में बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से आपका क्रॉस फंडिंग होगा, सब्सिडी होगा, जिससे आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा. और इस तरह का ये रीडेवलपमेंट का प्रावधान है, इस तरह का प्रोविजन है. लेकिन बहुत बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि हमें हमारा घर तो चाहिए, हमें हमारा कॉर्पस तो चाहिए, हमें हमारा रेंट चाहिए, हमें दूसरे को कितना प्रॉफिट मिलता है वो देखते देखते हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रीड में जाता है. महात्मा गांधी ने बहुत बार बताया कि इस दुनिया में आम आदमी के लिए जो चाहिए भगवान ने उतना रिसोर्सेस दिया, लेकिन जिस दिन उसको उस रिसोर्सेस को ग्रीड में कन्वर्ट करते हैं, जरूरत को निकाल के जितना जरूरी है उतना मिलता है. देर इज एवरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ए नेसेसरी बट इट कन्वर्ट्स इन टू ग्रीड, तो फिर मुश्किल है. आज जितने भी रीडेवलपमेंट प्रपोजल पंतनगर में हो, बहुत सारा माड़ा प्रपोजल हो, ये सब क्यों रुका हुआ, हम थोड़ा सा नज़र उसमें डालते हैं, क्यों तकलीफ में आ रहा है? क्योंकि जब जब रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आता है, एक डेवलपर, क्योंकि एवरी डेवलपर वॉन्ट्स टू मेक मोर मनी, एब्सोल्युटली करेक्ट, देर इज नथिंग रॉन्ग एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर प्रपोजल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट वो जब देते हैं, कमिटी वाले या सोसाइटी वाले ये सोचते हैं कि ये कौन बिल्डर कितना दे रहा है एक्स्ट्रा एरिया, हालांकि उनको उतना एरिया देना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा एरिया कितना दे रहे हैं, वो 10% दे रहे हैं, दूसरा कितना 15%, तीसरा 30%, चौथा 50%, जो 50% दे रहा है उसके पास जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग क्या वो 50% दे पाएगा या हमें वो फंसाएगा. ये न देखते हुए 50% देने वाले को आप बार्गेनिंग करते हो, 50% या 55% लेने का कोशिश करते हो, आखिर में वो बिल्डर कंगाल हो जाता है, आपका रीडेवलपमेंट रुक जाता है.
मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, यदि हम कोई भी बैंक में जाके आप कितना टक्का इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई बोलेगा कि आज का मार्केट 8% है, SBI में 6% है, लेकिन मैं आपको कितना दूंगा, मैं 12% दूंगा, कोई बोलता है 13% देगा, कोई बोलेगा 25% देगा, कोई बोलेगा 30% देता है। यदि आपने 30% ब्याज देने वाला बैंक में आपने पैसा रखा, क्रेडिट सोसाइटी में पैसा रखा, यदि प्राइवेट फाइनेंस को पैसा दिया, आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, आपका मुद्दल भी गायब, सब कुछ गायब। ये तो हकीकत है, फिर भी हम ये जानना नहीं चाहते। तो मेरा ये मानना है आज का प्रोग्राम में आप जरूर इसको गौर करिए कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, क्योंकि मुझे एक सवाल किया गया, टोटल पोटेंशियल क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब क्या है, हमारे पास आज की तारीख में कितना जगह है, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशन, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन में क्या बताया गया, कितने आप बांध काम कर सकते हो। मान लीजिए आज इधर FSI 1 है, TDR 1 है, और उसके बाद फंजिबल FSI मान लीजिए 35% है, हमारा 2.7 होता है। यदि 2.7 एक 10,000 स्क्वायर फुट का पीछे आप 27,000 स्क्वायर फुट बना सकते हो, तो इससे आगे एक स्क्वायर फुट भी आप नहीं बना सकते हो। यदि एक स्क्वायर फुट का आगे बनाएंगे तो आपको OC नहीं मिलेगा, आपको जो अक्का बिल्डिंग है, एक स्क्वायर फुट ज़्यादा बनाने से आपका अक्का बिल्डिंग इलीगल बन सकता है। लेकिन आप देखिए तिलक नगर में मैक्सिमम रीडेवलपमेंट हो चुका है, पंत नगर में हो चुका है, माड़ा का जितने भी रीडेवलपमेंट हुआ है, कम से कम 80%, कम से कम 80% बिल्डिंग जो रीडेवलपमेंट हुआ है OC नहीं है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं। और तिलक नगर में तो 100% बिल्डिंग जो रीडेवलपमेंट हुआ है उधर OC नहीं। अब ये कारण क्या, कारण ये है, एक तो डेवलपर सोचता है मेरा FSI बढ़ते जाएगा, मैं OC अभी लूँगा तो फिर सोसाइटी वाला मुझे अलाउ नहीं करेंगे, OC मैं रोकता हूँ तो फिर सोसाइटी वाला मुझे परमिशन देगा, OC लेके आएगा ना, चलो एडिशनल बांध काम करो, एडिशनल FSI का बेनिफिट लो, फिर सोसाइटी को कुछ ना कुछ देता है, तो वो एक आशा रख के वो OC नहीं लेते। दूसरा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते, दूसरा जो है एक्चुअली वो इलीगल काम करते हैं। सोसाइटी वाले को बोलते हैं साहब आपने तो 50% एरिया मांगा, मैं 50% एरिया कैसा दूं, अभी 50% एरिया देना है तो मुझे 2 फ्लोर एडिशनल इलीगल बांधना पड़ेगा। और सोसाइटी वाले उसको परमिशन भी देते हैं, बिना कमेंसमेंट बिना कोई चीज बनाने को देते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हमारा एसोसिएशन में आता है। मेरा ये मानना है कि यदि आज की आप मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा आप गौर करिए कि हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट कितना मिलता है, कैसा मिलता है, उस हिसाब से हमको करना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब एग्जिस्टिंग एरिया कितना है, आगे कितना मिलने वाला है, उसमें से एग्जिस्टिंग एरिया वाले को क्या क्या खर्चा आएगा, एडिशनल एरिया बांधने के लिए कितना TDR लगेगा, उसका प्रीमियम क्या लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, अप्रूवल खर्चा कितना लगेगा, भाड़ा कितना देना होगा, वापस कितना देना होगा, ये आंकड़ा करने के बाद बिल्डर को कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सब वर्किंग करने के बाद एक जो आंकड़ा निकलता है जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जब तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनता है तब तक आप रीडेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचें। अभी सवाल आता है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट क्या फर्क है। रीडेवलपमेंट में हम एक एडिशनल डेवलपर को एक क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, वेरएज इन द केस ऑफ ए सेल्फ रीडेवलपमेंट सोसाइटी खुद डेवलपमेंट प्लान बनाती है, आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जैसा बिल्डिंग रिपेयर करते हैं वैसे ही ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को हम अपॉइंट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरा बिल्डिंग जहाँ 10,000 स्क्वायर फुट है अभी 27,000 स्क्वायर फुट बना सकते हैं, पूरा 27,000 स्क्वायर फुट उस कॉन्ट्रैक्टर से हम बनाते हैं, और उसके बाद मेंबर को जितने भी एरिया देने के बाद हम बैलेंस एरिया जो है वो मार्केट में बेचते हैं। अभी इसके लिए बहुत इश्यूज आता है, एक तो फंड किधर से आएगा लोगों ने पूछा, इसका और एडिशनल बेनिफिट है वो एडिशनल बेनिफिट है हमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, तीसरा बेनिफिट है जो बिल्डर अपना प्रॉफिट के लिए जाता है, हम बिल्डर प्रॉफिट के लिए नहीं आते हैं, हम हमारा क्वालिटी घर करते हैं, इस तरह से इसमें बहुत सारा इश्यूज है, वो पूरा डिस्कस हम जरूर करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली जाता हूँ अपना रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट इसमें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और सवाल जो भी आपने किया है उसके ऊपर मैं करता हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है
वो पूरा सेल्फ रिडेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। तो सेल्फ रिडेवलपमेंट को मैं बहुत महत्व दूंगा और उसके बाद हम अगला लेंगे। अभी हम आते हैं सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। पैसा किधर से आएगा? सेल्फ रिडेवलपमेंट करना है, सोसाइटी को अपना काम करना है, लेकिन सोसाइटी करना है तो एक सवाल आता है, पैसा किधर से आएगा? दूसरा महत्वपूर्ण आएगा, एक्सपीरियंस किधर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा आएगा, मार्केटिंग कैसा होगा, फ्लैट कैसा बिकेगा। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल आता है सेल्फ रिडेवलपमेंट में, भाई साहब जवाबदारी कौन लेगा? चेयरमैन सेक्रेटरी मान लो उसके ऊपर कोई एलिगेशन किया, वो तो रिजाइन करके चला जाएगा, तो जवाबदारी कौन लेगा? ये सब सवाल जरूर उठता है और इसके लिए सेल्फ रिडेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी कैसा कर सकते हैं वो देखते हैं। और पहला सवाल मैं लेता हूं, पहला सवाल है कि व्हाई वी शुड गो फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नेसेसरी दैट वी नीड टू थिंक फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। कई लोग बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए, क्यों करना चाहिए सेल्फ रिडेवलपमेंट, कारण बताइए। एक तो ज्यादा जगह मिलता है, बेनिफिट, यस एवरीबडी शुड वर्क ऑन ए बेनिफिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो FSI ज्यादा मिलता है, क्वालिटी हम लोग सुपरवाइज कर सकते हैं। और तीसरा आपने बोल दिया कि बिल्डर भाग जा सकता है, रिस्क है, रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि हम हमारा जगह है उनको सौंप देता है, उसके बाद वो नया आदमी को बुला लेता है और क्या होगा। एक आदमी ने मुझे सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, सर आज रेरा आने के वजह से बिल्डर लोग बैंक गारंटी नहीं देता। आपको मैं आज चौंकाने का बात करूंगा, आई विल डिस्टर्ब यू सो मच टुडे दैट बिकॉज ऑफ रेरा यू हैव टू गो फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ रेरा, सुन लीजिए, बिकॉज ऑफ रेरा द डेवलपर इफ ही हैज क्रिएटेड एनी लाइबिलिटी, ऑल दिस लाइबिलिटी विल कम ऑन यू। ध्यान लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, देखिए रेरा में अभी क्या हुआ, रेरा में लैंड ओनर सोसाइटी को प्रमोटर कहा गया है। यदि बिल्डर ने गलती से भी आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट लेके जहां 25 आदमी को फ्लैट बेचना था उसने 50 आदमी को फ्लैट बेचा, वो सब 50 आदमी का जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर आएगा, बैंक गारंटी आने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होगा। आज रेरा के वजह से हमें सेल्फ रिडेवलपमेंट में कोई भी हालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क जो है, बिल्डर आपको कितना एरिया देता है वो महत्व नहीं है, वो जितना एक्सपोजर करेगा वो सब आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बहुत सारा रेरा में, मैं जो भी अलॉटिस है उनके तरफ भी लड़ रहा हूँ, सोसाइटी के तरफ भी लड़ रहा हूँ। 50-60 फ्लैट बिल्डर ने बेचा है और एग्जिस्टिंग फ्लैट 30 है, लेकिन 50-60 लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया है और पूरा का पूरा फ्लैट बेचा है, 90% पेमेंट लिया है, अभी रीडेवलपमेंट करना है, रेरा में रजिस्टर्ड है। अभी गौतम चटर्जी जो महारेरा का चेयरमैन है, बाकी का जितने भी अधिकारी है, सब बोलते हैं कि ये जितना भी बेचा है, भले 90% पैसा बिल्डर ने लेके गया होगा, अभी सोसाइटी को उनको घर देना होगा। वो देने के लिए आपका घर कम एरिया करना है तो आपको कम एरिया करना पड़ेगा। पहले आपको 500 फुट था, अभी उनको देने के लिए आपको 300 फुट लेना होगा, लेकिन उनको जितना भी प्रॉमिस किया उतना एरिया देना पड़ेगा। बिकॉज एग्जिस्टिंग पीपल डू नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन अंडर रेरा बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज ए प्रमोटर, एंड जो नया आदमी लेता है उसको पूरा प्रोटेक्शन रेरा में है। इसके लिए बिल्डर लोग आपको यदि बोलता है रेरा आया है, पूरा कस्टमर का पैसा हम रेरा अकाउंट में डालता है, क्या गारंटी है वो रेरा अकाउंट में डालेगा? दूसरे अकाउंट में भी डाल सकता है, रेरा अकाउंट से निकाल के कुछ भी कर सकता है। ऐसा करता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा। रेरा आया इसके लिए आपका जो रिस्क है कम होता है, ऐसा नहीं है, इसके लिए रिस्क ज्यादा है, पहले से अभी ज्यादा रिस्क है। मैं एक उदाहरण देता हूं बिफोर आई गो विद द प्रेजेंटेशन। वैद्य आकाश एक बिल्डर है, डीएन नगर में 480 लोगों का फ्लैट था, उन्होंने उनको फ्लैट देने का वादा किया, जहां FSI 2 था उनका जितने भी एरिया उसका डबल देने का वादा किया उसने, बहुत अच्छा है। 2 FSI है, उधर 1 FSI से बिल्डिंग हुआ, एग्जिस्टिंग लोगों को बोला कि आपको जो 280 फुट है मैं 560 फुट दूंगा, सबसे कंसेंट लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ऐसा किया कि बिल्डिंग तोड़ दिया, 10 का 10 बिल्डिंग तोड़ दिया, आधा प्लॉट रुस्तम जी को बेच दिया। जब रुस्तम जी को प्लॉट बेच दिया आधा प्लॉट, उनको ये बताया गया एग्जिस्टिंग लोगों, आपका फ्लैट इधर बनेगा, वो प्लॉट जो है 100 करोड़ में उसने बेच दिया, 100 करोड़ में प्लॉट बेच के पैसा भी लिया। और उधर रुस्तम जी अपना काम चालू किया, इधर इसका बिल्डिंग बनता ही नहीं, क्यों पूछा तो वो है ये है ऐसा है वैसा है। और उसके बाद उन्होंने 280 पीपल, उन्होंने अलग अलग कस्टमर से 100% पेमेंट लेके उनको 60 लाख में 70 लाख में अंधेरी में फ्लैट देने का वादा किया और पैसा भी लिया। वो 280 लोग भी हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने वाद निर्णय दिया ये जो एग्रीमेंट है वो बिल्डर ने उसके साथ किया, उस कस्टमर को बोला कि आपका और सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसके लिए सोसाइटी जो है अपना खुद का नया डेवलपर अपॉइंट कर सकता है। और 280 जो लोग गए थे उनको बताया गया कि वैद्य आकाश जो प्रमोटर था उनके पीछे लगी है। अभी वो वैद्य आकाश का प्रमोटर जो है वो जेल के अंदर है। और सोसाइटी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, उन्होंने रुस्तम जी के साथ दोस्ती जारी किया और बोला कि हमको लिटिगेशन नहीं चाहिए, आप हमारा घर बना के दे दो उतना काफ़ी है, बाकी का भाड़ा गिरा देता है नहीं देता है वो अलग चीज़ है, हमें घर बना के दो और बाकी का जो भी है आप करो। उन्होंने रुस्तम जी के साथ समझौता करना पड़ा और करके फिर उन्होंने अपना बिल्डिंग बनाया, लेकिन 280 लोग थे वो बाहर गए। लेकिन पोस्ट रेरा क्या होगा, पोस्ट रेरा 280 या जो भी आदमी वो यदि यही एपिसोड पोस्ट रेरा होता, रेरा आने के बाद किया जाता, तो रेरा ये 280 लोगों को भी सोसाइटी को शामिल करके लेना कंपलसरी होता था। इसके लिए रेरा का पोस्ट रेरा में आपको बहुत सारा निर्णय मिलेगा, आपको चाहिए तो मैं निर्णय भी आपको भेज दूंगा। रेरा ने ऑलरेडी ऐसा निर्णय लिया है, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी इज ए को प्रमोटर, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय द बिल्डर विल बी ऑन द सोसाइटी। देयरफॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट हैज टेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन इट वाज डिस्कस्ड विद द देवेंद्र फडणवीस एंड इट वाज डिस्कस्ड विद द अदर पीपल, दे सेड वी विल प्रमोट सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड देयरफॉर मुंबई बैंक इज नाउ रेडी टू गिव द लोन एंड देयर आर अदर व्हीकल्स व्हिच आर कमिंग, वी विल डिस्कस इट लेटर। और कोई सवाल है? आपने जिस बिल्डर को एग्रीमेंट दिया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया, उसको जमीन दिया, उसको प्लॉट दिया, उसके बाद आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके उनको बोला कि आप बेचो, बेचने का अधिकार किसने दिया? आपने दिया। आपने देने के बाद यू हैव मेड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद हिम। व्हाट रेरा सेज, एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स आर द मेंबर्स, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी करके ये पार्टनरशिप किया, किसके साथ? बिल्डर के साथ। क्या पार्टनरशिप किया? 27,000 स्क्वायर फुट बनता है 10,000 स्क्वायर फुट के अंदर, आप मुझे 13,500 मुझे दे दो, 13,500 आप बेचो। लेकिन उसने 13,500 के जगह में 14,000 15,000 20,000 बेचा है, पैसा लिया है और लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाया। ये पूरी जिम्मेदारी दूसरा पार्टनर के ऊपर आता है, बिकॉज इट इज जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो बिल्डर नहीं करके देता है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आता है। इसके लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में आपको कोई भी हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो राइट नाउ व्हाई वी वांट सेल्फ रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट, पहला डेवलपमेंट होता था वो कैसा होता था जरा सुन लीजिए, आप लोग सब है, आप सब जानकारी भी रखते होंगे। पहला ऐसा होता था, लोग कैंटीन में मिलते थे, मान लो कोई भी एक बैंक में काम करते थे या कोई भी कंपनी में काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में इधर उधर, वो कैंटीन में मिलते थे या एक कम्युनिटी वाइज, हमारे जैसा कम्युनिटी है और आपके भी गुजराती कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, अपना मुस्लिम्स है, इन लोग कम्युनिटी हॉल में मिलते थे, मिलके ये सोचते थे हमारा कम्युनिटी के लिए हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। हम लोग एक हाउसिंग सोसाइटी करते थे, उधर एक हम क्या करते थे, एक लोकेशन ढूंढते थे, लोकेशन ढूंढने के बाद एक चीफ प्रमोटर बनाते थे, कमिटी बनाते थे, जगह फाइनल करते थे, टोकन अमाउंट देते थे, उसके बाद टोकन अमाउंट देने के बाद जमीन के लिए, और फिर क्या करते थे, वो जमीन जो है लेने के लिए सोसाइटी रजिस्टर करते थे। सोसाइटी रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या करते थे, उसके लिए जितने भी लोन चाहिए वो लोन लेते थे, प्रोविडेंट फंड से या कंपनी से या बैंक से या सोसाइटी के नाम से लोन मिलता था। महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी उस टाइम में था, हाउसिंग फाइनेंस बैंक था, और उन लोग लोन देते थे और उन लोग एग्रीमेंट करते थे जमीन लेने के लिए। सोसाइटी जमीन का ओनर होता था, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जाता था,
ठीक है 10,000 स्क्वायर फुट का है, हर एक को 500 फुट चाहिए, 20 फ्लैट बनता है, 20 फ्लैट का प्लान बनता था, प्लान अप्रूव होता था, फिर हम कॉन्ट्रैक्टर का अपॉइंट करते थे और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट करने के बाद बिल्डिंग बनता था, बिल्डिंग बनने के बाद लॉटरी सिस्टम से घर अलॉट किया होता था। ऐसे मुंबई में थाना में लगभग 10,000 के ऊपर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है। यस और नो? आपको उदाहरण भी देता हूं, उधर कौन बिल्डर था, इधर भी है, गरुड़ी नगर भी शायद है, गरुड़ी नगर भी ऐसा ही है। आप तो मैं गरुड़ी नगर में हूं, ऐसा ही है। आपको SBI एम्प्लॉयज है, सिंडिकेट बैंक एम्प्लॉयज है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, सीमेंस एम्प्लॉयज है, L&T एम्प्लॉयज है, BMC एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। मैं अभी भी जो आर्मी लोगों को जगह मिलता है कंसेशन रेट में, उनका हमने हाउसिंग सोसाइटी किया, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट में किया। उसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो 13-14 सोसाइटीज है अंधेरी में, उधर भी हमने सेल्फ डेवलपमेंट में किया, आज भी सेल्फ डेवलपमेंट में किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एकजुट नहीं होते, ऐसा आपका और हमारा बोलना है, लेकिन यदि एकजुट एक पर्टिकुलर कॉज के लिए होना है तो हमें होना होगा। आज भी लोग एकजुट हुए ना, क्यों हुए? क्योंकि देर इज अ कॉमन कॉज। व्हाट इज अ कॉमन कॉज? नोबडी हैज टाइम, बट इधर आए हैं कि कॉमन कॉज हमारे लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। उसी तरह से यदि हमारा बिल्डिंग है, हमारा सोसाइटी है, हमें करना चाहिए, मुझे लगता है हो सकता है। लोग लोन लेते थे और इंडिविजुअल लोन लेते थे और ऐसा घर बना है SBI एम्प्लॉयज वगैरह, तो जैसा मैंने बताया वो यूज टू अपॉइंट आर्किटेक्ट, गेट द प्लान फास्ट, कॉन्ट्रैक्टर को देते थे एंड एंश्योर ए क्वालिटी। जितने भी बिल्डिंग पहला हुआ आप जरा सुनिए, जिन्होंने बिल्डर ने नहीं बनाया, सोसाइटी ने खुद बनाया, इतने मजबूत है आप यकीन नहीं करेंगे, 50-60 साल होने के बाद भी वो बिल्डिंग मजबूत टिका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सारस्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो अपना जो गिरगांव में है, बराबर है, वो 2015 का है, कभी का सॉरी 1915 फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी इन मुंबई, वो हमारा कम्युनिटी का है। और उन्होंने जब 1915 में किया था, आज कितना है 2018 हो गया, 103 ईयर्स हो गया, आज भी बिल्डिंग उसी तरह से खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि उतना मजबूती से अपने क्वालिटी का किया। बहुत सारा सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक एम्प्लॉयज, रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज, ऐसे लोगों का सोसाइटी मैं देखता हूँ, 50-60 साल हुआ अभी भी बिल्डिंग में एक किला नहीं मार सकता है, मतलब इतना मजबूत है, क्योंकि वो क्वालिटी देखते हैं। लेकिन बिल्डर लोग क्या करते हैं कि पिलर गिलर अच्छा बना देते हैं, बाकी का जितने भी है कम दर्जे का माल जो 200-300 रुपये लेस कम अमाउंट में मिलता है, होलसेल में मिलता है, वो लेके काम करते हैं। सो टू एंश्योर क्वालिटी वी नीड टू गो फॉर सेल्फ रिटर्न। अभी उस टाइम में क्या हुआ जरा सुन लीजिए, उस टाइम में एक हो गया, जैसे जैसा कॉन्ट्रैक्टर को पता चला 10% टोकन देके सोसाइटी वाला जमीन अपने नाम पर करके लेते हैं, वाई नॉट कॉन्ट्रैक्टर थॉट हम लोग 10% पेमेंट दिया जाए और 90% लोगों को बेवकूफ बना के हम कैसे भी रेज कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना 10%, 5% भर के लैंड ओनर से जमीन लेने चालू किया। तो इसे लैक ऑफ लैंड हो गया, क्योंकि हर जगह में होर्डिंग चालू हुआ, क्या हुआ जगह अपने आप लेने लगे। ये जब गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने 1976 में एक कायदा लाया, आप सबको सब मालूम होगा, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। ये अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट क्यों लाया, यदि आपके पास जमीन है और आप 500 मीटर के ऊपर जमीन है और आप हाउसिंग नहीं करते उधर, तो फिर वो घर एक्स्ट्रा एरिया कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। बहुत सारा लोगों ने रोक के रखा था, तो उधर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर लिटिगेशन चालू किया। जैसे ही लिटिगेशन किया, हर जमीन के ऊपर लिटिगेशन चालू हुआ एक्वायर करते करके, तो लिटिगेशन लैंड कोई लेता नहीं। फिर लोगों ने इकोनॉमिकल हाउसिंग ये वो करप्शन चालू हुआ, तो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गया और उसका अप्रूवल लाने के लिए भी खर्चा हो गया, और उसके बाद चीटिंग चालू। किधर चीटिंग हुआ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो पदाधिकारी है, अल्टीमेटली आदमी का ग्रीड इतना होता है कि मुझे तो घर मिल रहा है, मेरा घर मैं कैसा फ्री करके लूँ। उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलते थे कि भाई साहब आप मुझे, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा लेकिन मुझे आप मेरा घर फ्री कर दो, या कई लोग बोलते थे कि मुझे इतना दो उतना दो। ये जब चीटिंग और फ्रॉड चालू हुआ, कई लोगों ने ये किया, ये करप्शन तो हो गया, कई लोगों ने क्या किया, पैसे लोगों से इकट्ठा किया, बोला कि हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और आप पैसा दे दो, और
पैसा लेते थे और गांव में मकान बनाते थे और इधर जमीन में पैसा नहीं दिया थे, और ये भी हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1991 में एक सर्कुलर लाया, सॉरी 1981 में, ये महत्वपूर्ण सर्कुलर है। ये सर्कुलर ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता था उसको पूरी तरह से रोक दिया। वो क्या सर्कुलर है? वो सर्कुलर ऐसा है, यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आप रजिस्टर करना चाहते हो, आपके नाम से जमीन होना चाहिए। अभी ऐसा हुआ, सोसाइटी बनाना है तो लोगों से पैसा लेना है, पैसा लेना है तो आपको क्या चाहिए? सोसाइटी चाहिए। रजिस्ट्रार बोल रहा है कि सोसाइटी बनाना है तो आपके पास जमीन होना चाहिए। ऐसे कौन दिलदार है जो मेरा जगह के ऊपर आप सोसाइटी बनाओ बोलेगा? नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता था वो रुक गया। लेकिन बिल्डर लोग आ गया, कमिटी के ऊपर ट्रस्ट लॉस हो गया, और इसके लिए बिल्डर्स गेव ए बर्थ टू कंस्ट्रक्शन बाय द बिल्डर। इसके लिए बिल्डर आने लग गया, और इस हिसाब से बिल्डर का अपना एक तरीका चालू हो गया, वो है अपना बिल्डिंग एक्टिविटी। उसके बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का डेवलपमेंट रुक गया। अभी हम चाहते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट इसके लिए होना चाहिए, अभी हमारे पास कोई भी फेथ बिल्डर के पास रहा नहीं। भाई साहब ने बताया ना कि हमारे ऊपर अभी हमें बिल्डर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आपको कम से कम मैं पूछूंगा सब आदमी को, 95% लोग बोलेंगे कि यार बिल्डर के ऊपर भरोसा नहीं, इसके लिए बैंक गारंटी चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। तो बिल्डर के ऊपर हमें भरोसा उड़ गया, अभी नहीं है। दूसरा, बिल्डर क्यों आता है? बिल्डर इसके लिए आता है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, पैसे के बिना वो काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 30% 40% एक्स्ट्रा एरिया देता हूँ। मेरे एक सोसाइटी है अंधेरी में, 45% एक्स्ट्रा एरिया देने की बात किया था। अभी मार्केट ठंडा होने के बाद वो बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आपको एरिया मैं 15% के ऊपर नहीं दूँ। 45% अभी 1/3 देने को तैयार है। फिर सोसाइटी के साथ बहुत समझौता करने के बाद वो 21% देने को राजी हो गया। सोसाइटी वाला भी तैयार है, मगर बिल्डर अभी भी काम नहीं चालू। अभी ये करते करते अभी 2 साल हो गए। अभी सोसाइटी को मैं बोला, यदि आप सेल्फ रिडेवलपमेंट, पहला से मैं बता रहा था, यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते थे कितने भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी आप बदल सकते थे। आपका जमीन था, आपका सब कुछ था, लेकिन आपने वो सोचा नहीं, आपका काम भी हो जाता था। लेकिन उस टाइम में बोला कि कौन जिम्मेदारी लेगा, सबके लिए मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ। अभी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हुआ है, लोग खाली करेंगे शायद, और बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा रहेगा, उनको भाड़ा भी अपने घर से देना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारे पास बिल्डर के ऊपर भरोसा उड़ गया है। बिल्डर आता है तो प्रॉफिट, और प्रोजेक्ट कॉस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है सर, आज गरोड़े नगर में हमें बिल्डिंग बनाना है, उसमें मेन क्या चाहिए? लैंड। पहला हाउसिंग सोसाइटी होता था, लैंड मिलता था, लेकिन लैंड बिल्डर ने कब्जा करके रखने की वजह से हमारे पास लैंड नहीं था। गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकालने की वजह से हमारे पास लैंड उपलब्ध करने के लिए हाउसिंग सोसाइटी जरूरी था, या लैंड के सिवा हाउसिंग सोसाइटी नहीं होता था, इसलिए वो मूवमेंट रुक गया। लेकिन आज मान लीजिए आपका घर का कीमत, एक बुरा मत मानिए, आज 15,000 है पर स्क्वायर फुट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है सर? 3,000, 1,500 बोलते हैं, मैं तो 3,000 बोलता हूँ। 3,000 नहीं, 5,000 पकड़ो, तो अभी 10,000 क्या है? जमीन का कीमत है। 67% आपका, मैं तो ज़्यादा ही बोलता हूँ 5,000, लेकिन 2,500 में होता है, बाकी का एक्स्ट्रा एरिया है, ये है वो है। हम 3,000 पकड़ेंगे, 5,000 भी पकड़ेंगे, तो भी 67% क्या है? जमीन है। जब जमीन हमारा पास है, जो 70% ऑफ द कॉस्ट इज विद द सोसाइटी, बिना कन्वेंस का आप तो रीडेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। बिना जमीन अपने नाम से आप रीडेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, कोई कॉन्ट्रैक्टर को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, बिल्डर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। यदि 60-70% प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा हाथ में है, तो फिर सिर्फ 30% के लिए उसको 50-60% प्रॉफिट क्यों दिया जाए? ये 30% मेहनत करना होगा, 30% के लिए हमें थोड़ा पैसा इकट्ठा करना होगा, वो कैसा होगा हम देखेंगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको लैंड कॉस्ट जब अपना पास है, आप सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा सवाल करते हैं कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? रीडेवलपमेंट के लिए हमें जानकारी चाहिए। आज पूरा जानकारी धीरूभाई के पास नहीं था, लेकिन आज धीरूभाई रिलायंस क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। टाटा के पास पूरा जानकारी नहीं था, टाटा आज बिजनेस कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? पूरी प्रोफेशनल को लेकर,
जब आदमी प्रोफेशनल को लेकर काम करता है, जरा सुनिए, तो हमें क्या तकलीफ है? आज भी आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो 25-30 साल का तजुर्बा वाले मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? बाजार में जो चाहिए वो मिलता है। मुंबई ऐसा शहर है, फादर मदर भी मिल जाते, यस और नो? वो टेम्परली होंगे या जो भी है, लेकिन मिलते हैं। उसी तरह मुंबई में जो चाहिए सब मिलता है, तो अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल हमें मिलता है। लेकिन इतना ही है, आपको जानकारी करना होगा। लेकिन प्रोफेशनल का काम क्या है? उन्होंने जो सर्विस दिया उसका उनको मुबदल मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। और उनका आशा ये नहीं आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, वो नहीं। उनको सिर्फ यही चाहिए कि उनको पैसा चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मिलता है ना सर? सब कुछ मिलता है प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल हमें मिलता है। जरा सुन लीजिए, अच्छा प्रोफेशनल हमें मिलता है, ध्यान में आ गया? दूसरा, पहले भी हमें मिलता था, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता था। कौन है प्रोफेशनल? मेन प्रोफेशनल है, आपको तीन ही आदमी चाहिए या मे बी चार आदमी चाहिए। पहला हम लेते हैं आर्किटेक्ट, क्योंकि प्लान बनता है, डेवलपमेंट करता है, सब कुछ आर्किटेक्ट बहुत सारा हमें मिलता है। दूसरा हमें चाहिए इंजीनियर, जो उधर साइट में बैठ के सब देखेगा। और तीसरा जो हमें चाहिए वो है एडवोकेट। एडवोकेट इसके लिए कि कोई ना कोई कामकाज करने के लिए। और चौथा यदि हमें लगता है चाहिए, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके लिए चाहिए क्योंकि लोन लेना है, इनकम टैक्स का है, बाकी का कुछ चीज़ है, अकाउंटिंग करना है, ऑडिट करना है, इसके लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरा कोई आदमी चाहिए नहीं, फिर भी आपको चाहिए एक कोऑर्डिनेटर रख सकते हैं। इस तरह के पांच आदमी का टीम आप बनाते हो तो अच्छा प्रोफेशनल करते हो, आपका काम अच्छे तरह से हो सकता है। दूसरा सवाल मुझे किया गया, और अच्छा सवाल है, सर मैं सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाता हूँ, बीएमसी में अंडर द टेबल देना पड़ता है, किधर ना किधर अप्रूवल करना पड़ता है, उधर खर्चा करना पड़ता है, कोई कैश देना पड़ता है। बिलीव मी, आप सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाते हो तो उतना ही जानकारी बीएमसी वाले को भी मालूम है, बीएमसी वाले भी जानते हैं ये सेल्फ रिडेवलपमेंट वाले, ये बुड्ढे लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो इनसे ज़्यादा मैं पूछूंगा तो इनका दो लोग आरटीआई डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बहुत कम से कम मांगेंगे। और वो भी आर्किटेक्ट को बोलेंगे मला तिथे 100 रुपये मिळत होता पर फूट, आता तुम्ही 10 रुपये दिले तरी हरकत नाही, तुमचं काम करून घ्या, बेस हे फेरी मारतात। आणि हकीकत आहे, ठीक आहे ना? तो इसके लिए वो कम से कम होगा, फिर भी मान के चलते हैं हमें ये प्रोफेशनली काम करना है। एक तो प्रोफेशनल फीस में आप बोल सकते हैं, आपका प्रोफेशनल फीस के साथ, जरा सुन लीजिए, ये प्रोफेशनल फीस के साथ आप अपना जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा होता है वो आप करिए। मैं L&T का बहुत काम किया हूँ, बड़े बड़े कंपनी का काम किया हूँ, उन लोग को भी मालूम है कि जो प्रभु साहब काम करके लेता है तो उधर लाइजनिंग में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। आज गोदरेज है, बहुत सारा टाटा हाउसिंग है, महिंद्र स्पेस है, उन लोग भी क्या करते हैं, ये जो भी प्रोफेशनल के साथ बोलते हैं कि लाइजनिंग का फीस उसके साथ जोड़ दो, उनको मालूम है कि प्रभु साहब का फीस मान लो ये पर्टिकुलर काम के लिए 1 लाख है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 3 लाख लगता है, तो बोलेंगे 4 लाख का बिल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप मैनेज करो। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर को हम बोल सकते हैं भाई ये पूरा प्लान है, ये प्लान हमने ऑलरेडी पास करके लिया है, जैसे जैसे स्टेज वाइज, क्योंकि वो पहला प्लान पास करने के लिए खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा, कुछ कमेंसमेंट लाना है, कुछ अप्रूवल चाहिए, उस टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, उनको बोलने का कि इतना काम का जो 1000 रुपया या 500 रुपया पर स्क्वायर फुट लगता है, आपका 2500 रुपया है ना पर स्क्वायर फुट, चलो 500 रुपया वो अप्रूवल एक्सपेंसेस ले लो, 3000 में हमारा डन, ध्यान में आ गया? और उसके साथ मटेरियल का कीमत इतना, ऐसा करके आप लिख के कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मुझे लगता है कि अप्रूवल एक्सपेंसेस भी ऑफिशियली दे सकते हैं। आज तो सब कुछ वाइट में जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अप्रूवल खर्चा आपको ज़्यादा तकलीफ लेने का जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं यू हैव योर ओन चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते हैं, क्यों चाहिए सेल्फ रिडेवलपमेंट? इसके लिए चाहिए क्योंकि टॉप फ्लोर हम अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है ये बिल्डिंग आएगा, हम खुद बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें मालूम है कि टॉप बिल्डिंग आएगा। अभी क्या करता है बिल्डर लोग, टॉप फ्लोर अपने पास रखते हैं, हमको भी वो ठीक लगता है, क्यों?
जितना जल्दी ग्राउंड फ्लोर आते रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर तो बन गया, बिल्डिंग तो बन गया, वहाँ हमारा सिक्योरिटी रीजन के लिए हम ये नहीं बोलते टॉप फ्लोर दो, टॉप फ्लोर दो बोला तो नहीं आएगा तो फिर हम हवा में घूमते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग बोलते कि जितना लोअर फ्लोर है उतना दे दो ताकि हमें बेनिफिट होगा। लेकिन हम खुद बनाते तो हम टॉप फ्लोर भी ले सकते हैं, टेरेस फ्लोर छोड़ के बाकी का फ्लोर हम ले सकते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, 91 मेंबर्स का एक सोसाइटी है जहाँ 5 बिल्डिंग था, 10 साल से उनका रीडेवलपमेंट के ऊपर सोल्यूशन नहीं आता था। लेकिन मैं जब सोसाइटी में गया, सोसाइटी का कमेटी वाले आए, बोला कि सर हमारा बांगुर नगर में है, 10 साल हो गया, 3 कमेटी बदल गया, 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर आया, क्योंकि हर बार डेवलपर अपॉइंट करते तो कुछ ना कुछ टांग खींचते हैं और ये होता नहीं। तो मैंने बोला ये काम करते हैं हम सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हैं। कमेटी वाला बोला कि आप पागल ही, बोला मैं पागल ही हूँ, क्योंकि आप पागल के साथ इलाज करने के लिए, अभी आपका सोसाइटी 10 साल से जो नहीं कर पाए, मुझे मेरा अलग ढंग से सोचने दो। तो बोले कि आप क्या करना चाहते हो, मैं बोला पहला 50,000 रुपये जमा करो, उन्होंने 50,000 जमा किया। उसके बाद मैं बोला कि सोसाइटी का मीटिंग बुलाओ, उसमें मैक्सिमम लोग आने दो, मैक्सिमम लोग आए, और फिर मैंने उनको जैसा भी सवाल किया ना वैसे मैंने सवाल 1-1.5 घंटा किया लोगों से। कोई सरदार जी थे, कोई मुस्लिम थे, कोई बाहर गाँव थे, कोई साउथ इंडियन थे, कोई नॉर्थ वाले थे, भैया लोग थे, अलग अलग लोग थे। हर एक का सवाल में मैंने देखा, सर हमारा 5 बिल्डिंग है, पहला कमेटी ने बोला कि हम फेस वाइज करेंगे और पहला 2 बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग बनाएंगे, 3 लोग सोसाइटी के अंदर रहेंगे, और समझो वो बिल्डर ने पहले ही फेस नहीं किया तो हम तो रोड पर आए। दूसरा बोला कि ये पहला हमारा जो बिल्डिंग बनेगा और उसके बाद टेनेंटेड बिल्डिंग अलग बनेगा, एग्जिस्टिंग वाले को अलग मिलेगा, सेल बिल्डिंग अलग बनेगा, ये तो और मुश्किल। तो फिर अलग 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 कहानी सुनने के बाद मैंने बोला ये काम करते हैं हम लोग, प्लान बना, प्लान बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट करते, आर्किटेक्ट करने के बाद आपको एक ही टावर में दूंगा, उस एक ही टावर में आपका जितने भी लोग हैं 91 लोग उसमें ऑक्यूपाई होंगे, और वो टावर के हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे सेल्फ रिडेवलपमेंट करने के लिए। पूरा बताया, बोला कि हमको नहीं करना है, बोला कम से कम इतना तो एग्री करो, प्लान बनाने के लिए 2-3 लाख रुपये खर्चा करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोला कि हम करेंगे। 6 महीने लगा, 25-30 प्लान बनाया, उसके बाद उनको टावर बना के दिखाया, इतना खुश हो गए उन लोग। फिर बोला कि सर ये प्लान हम मार्केट में लेके जाते हैं और कौन सा बिल्डर तैयार होगा यही प्लान करने के लिए, मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ो, कोई नहीं आता है तो बाकी का हम देखेंगे, पहले तो हम कोशिश तो करते हैं। हमने कोशिश किया, अच्छा अच्छा रुस्तम जी, कुमार बिल्डर्स, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर, 33 बिल्डर्स के सेइंग दैट आपका ही आर्किटेक्ट रहेगा, आपका ही प्लान रहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दे वेर ऑल हैप्पी कि आपके प्लान तैयार है, सब कुछ तैयार है, लोग तैयार है, 100% कंसेंट है, और अच्छा बांगुर नगर में मेन रोड में है, तो इतने खुश हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो प्लान को लेकर जो झगड़ा होता था और ये लेकर झगड़ा होता था कब घर मिलेगा, कौन सा घर मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा, क्या होगा, सब हवा में था। लेकिन जब प्लान हाथ में आया, डिस्कस हुआ, 6 महीने के अंदर निर्णय आया, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, और सेल्फ रिडेवलपमेंट में न जाते उन्होंने बीच का रास्ता दिया, जिसको हम बोलते हैं पैकेज डील। क्या है पैकेज डील? पैकेज डील का मतलब क्या है? पैकेज डील का मतलब जगह हमारा, आर्किटेक्ट हमारा, इंजीनियर हमारा, लेकिन आप 3 चीज लेके आओ। क्या 3 चीज लेके आओगे? आपका 3 तजुर्बा हमारे पास नहीं, वो लेके आओ। एक, आप जो बैलेंस एरिया जो आपको हम देने वाला है आप बेचोगे। दूसरा, हमारे पास पैसा नहीं, आप पैसा लेके आओगे। हमारे पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं, ये 3 चीज आप करोगे। हम 2 चीज लेके आओगे। हम 2 चीज कौन सा लाएंगे? हमने हमारा आर्किटेक्ट, हमारा इंजीनियर, हमारा प्रोफेशनल हमारा रहेगा, प्लान हम जो करेंगे वही होगा, और जगह हमारा होगा। ये एग्री हो गया, इस तरह से काम बढ़ते गया। उसी तरह से हमने एक काम किया था जो है अपना विले पार्लर, 10 मेंबर का सोसाइटी है, सब रिटायर्ड लोग, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो CEO था, उन्होंने मेरा सब सुना, बोला कि प्रभु साहब आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करने को तैयार है। मैंने बोला ठीक है, हम आर्किटेक्ट अपॉइंट करते, प्लान कर लेते, ये सब बताया। उसके बाद जहाँ उनको 15% के ऊपर नहीं मिलता था, क्योंकि प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर मीटर था, बहुत कम था, और उधर ज़्यादा नहीं होता था, जब ये डिस्कस हुआ उन्होंने सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रयास किया, और आज 18 महीने के अंदर उनको घर अपना मिला OC के साथ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है,
सेल्फ रिडेवलपमेंट इसके लिए करना चाहिए, अपने को जिस तरह से प्लान चाहिए उस तरह से मिलेगा, जितना एरिया हमें चाहिए उतना मिलेगा और कंसेशनल एरिया मिलेगा। मैं घाटकोपर का भी उदाहरण आपको दूंगा थोड़ा टाइम के बाद। फिर दूसरा है लाइक माइंडेड पर्सन कैन बिकम ए मेंबर, आप अपने ही लोगों को बुला सकते हो। तीसरा मैक्सिमम प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एरिया, जिसने बताया कि एक्स्ट्रा एरिया भी मिल सकता है, क्योंकि जरा थंब रूल समझिए, आपको जितना प्रॉफिट मिलता है एक्स्ट्रा एरिया के हिसाब से उतना बिल्डर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 50% का ऊपर उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी बिल्डर आता नहीं है, ये समझ लीजिए। यदि आपको 30% एक्स्ट्रा एरिया मिलता है तो उसको भी 30% एक्स्ट्रा एरिया प्रॉफिट का हिसाब से मिलना चाहिए, तब वो बिल्डर आता है, उसी का वो बेनिफिट है। इंसेंटिव एपीसाइड, मान लीजिए आपको 30% बिल्डर देता है तो सेल्फ रिडेवलपमेंट आपको 60% एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उतना वो प्रॉफिट लेके जाता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी ओन्स द लैंड, दे कैन कंट्रोल द प्रोसेस एंड रेगुलेट द प्रोसेस एंड लैंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। जब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हम कर सकते हैं। आपको इंसेंटिव एफएसआई मिलेगा, टीडीआर मिलेगा, ये जो भी एफएसआई है जो भी टीडीआर है वो सेम है, सेल्फ रिडेवलपमेंट के अलग है, बिल्डर के लिए अलग है, ऐसा नहीं। उल्टा आपने गवर्नमेंट को मांगा था, जरा सुन लीजिए, सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए आप जो है 15% एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दो। हमने 25% मांगा था, उन्होंने एग्री किया था 15% एक्स्ट्रा एरिया देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 15% एक्स्ट्रा एरिया देने को तैयार हो गए, 35% फ्री एफएसआई तो है ही है फंजिबल, एडिशनल 15% देने को तैयार हो गए। उन्होंने बोला कि सेल्फ रिडेवलपमेंट या रिडेवलपमेंट कैसा होगा क्या होगा मालूम नहीं, इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा 15% यदि 30 ईयर्स का ओल्ड बिल्डिंग है उनको नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में आपको 15% एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है। यदि बिल्डर भी करता है तो भी मिल रहा है और 35% फंजिबल एफएसआई भी मिल रहा है, 15% एक्स्ट्रा एरिया के लिए कोई प्रीमियम भरने का जरूरी नहीं है। इस तरह का इंसेंटिव एफएसआई जो है रीडेवलपमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के सेम है। महत्वपूर्ण ये है, हाउसिंग सोसाइटी का महत्वपूर्ण ये है, हमें बेटर क्वालिटी चाहिए। यदि हमें बेटर क्वालिटी चाहिए तो सेल्फ डेवलपमेंट में ही हो सकता है, मेरा मानना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेस लीगल इश्यू, क्योंकि बिल्डर को निकालना टर्मिनेट करना, एक बार उसने एग्रीमेंट कर दिया स्टैम्प ड्यूटी भर दिया, उसको निकालने के लिए कैंसिलेशन डीड करना पड़ेगा, कैंसिलेशन डीड के लिए वो 5-10 करोड़ रुपए मांगेगा, वो कुछ भी नहीं काम किया तो भी मांगेगा। इसके लिए लेस लीगल इश्यूज, जैसा वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकता है, दूसरे से पार्टनरशिप कर सकते हैं, फ्लैट अलॉटमेंट लेटर देके बेच सकता है, रेरा के बाद आपको भी आउटसाइडर डिस्प्यूट सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिटेड क्वालिटी हाउसेस, जब हमारा क्वालिटी हाउस कम है और डिमांड ज़्यादा है, घाटकोपर में, गरुड़िया नगर में, किधर भी ले हो, मुंबई में डिमांड तो है, उस एरिया में रहने वाले का दूसरा घर चाहिए रहता है और बेटर कंट्रोल एंड डिलीवरी पॉसिबल। इसके लिए मुझे लगता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु साहब आपने बहुत अच्छे तरह से हमें समझाया कि सेल्फ रिडेवलपमेंट क्या क्या बेनिफिट। अभी दूसरा सवाल आता है जो आपको उत्तर देना है, हाउसिंग सोसाइटी यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट करता है तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, बताइए क्या इश्यू आ सकता है। एक्सेलेंट, लॉस ऑफ ट्रस्ट विद द कमिटी, कमिटी के ऊपर भरोसा नहीं रहता, ये मटेरियल लेते टाइम उधर कट मारा होगा और ये कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते टाइम कट मारा होगा, नहीं तो ये आदमी को इतना इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब है। आज रमेश प्रभु अपना बीवी बच्चे को छोड़ के अक्टूबर का दिन इधर आता है, मतलब इसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है, फ्री बोलता है लेकिन बेनिफिट तो है। यस 100% हमारा स्वार्थ है कि हमारा नाम रोशन हो और कुछ जो क्लाइंट मिले, लेकिन मेहनत कर। उसी तरह से यदि सेल्फ डेवलपमेंट करता है उस कमेटी को, उस अधिकारी का ये महत्वपूर्ण है, उनको एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, उनको जो है अपना रिस्क कम होगा, ये हो सकता है, लेकिन डाउट करना ये हमारा नेचर है, लेकिन डाउट नहीं करना चाहिए। उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, हर चीज़ के लिए मिटिगेटिंग रिस्क है, आपको मिटिगेशन करना पड़ेगा, रिस्क फ्री करना पड़ेगा। I get your. तो यदि आपको लगता है कि वो मेहनत जो करने वाला है, 3 आदमी है 4 आदमी, आप
सोसाइटी का कायदे में है प्रावधान है, जरा सुन लीजिए, सोसाइटी का कायदा में ये प्रावधान है, द पर्सन हु इज गिविंग ए सर्विस कैन बी पेड इवन इफ इज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उसको जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए. दिस कुड बी वन वे वेयर यू कैन से सोसाइटी में आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो दूसरे जगह में काम किया तो भी उनको मिलेगा, उनका जो वाजिब फीस है या कोई आदमी वक्त देता है उसको वाजिब फीस देके आप वो कर सकते हैं. देयर इज नो बार इन द एक्ट, जरा सुन लीजिए, पीपल डोंट वांट टू टेक, यार महीने में आप 5000 रुपये हमको ऑनरियम देंगे और 60000 साल पर, और फिर आई डोंट वांट टू वर्क एज ए पेड सर्वेंट, आई वांट टू वर्क एज ए डिग्निफाइड, यू नो डिग्निफाइड पर्सन आई वुड से, है ना, ऑनररी करके लोग वो रिकग्निशन करना चाहते, लेकिन देने का प्रावधान सोसाइटी में है. बहुत सारे सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास होते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस प्लीज, मेरे सवाल को जरा जवाब दीजिए, आपको इश्यूज क्या लगता है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम लगता है वो बताइए. फाइनेंस इज द वन इश्यू, आई अंडरस्टैंड, ओके, फाइनेंस इज वन इश्यू, कंसेंट इज अनदर इश्यू. लेकिन इतना आप समझ लीजिए, जो आदमी उस बिल्डिंग में रहता है वो चेयरमैन सेक्रेटरी बनता है, यदि अनएथिकल किया, आपने पॉइंट आउट किया, उसका फ्लैट अटैच हो सकता है, वो बेघर हो सकता है. जबकि आप हमारे आदमी को भरोसा न करते हुए आपने भरोसा दूसरे के ऊपर किया, आप तो पूरा बेघर हो जाते हैं, जरा सुन लीजिए. तो हर आदमी का हर रिस्क क्या है, सेल्फ रिडोल में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, जरा सुन लीजिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है, जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी, ये कौन लेगा, काम कौन करेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है. और काम चालू होने के बाद मान लो किसी ने रिजाइन किया, उसको जगह में पोस्टिंग हुआ, ये क्या होगा. यदि ये हम एंश्योर कर सकते हैं, अच्छे तरह से प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल को हैंडओवर करते हैं, और जो कमिटी में भाग ले रहा है उसको कुछ रेमुनरेशन, जो डिग्निफाइड वे में, मान लो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5%, 2%, 3% आपको मिलेगा, जो आप 5 आदमी में बटा जाएगा, इस तरह से बटा जाएगा, उनको फिक्स सैलरी देते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर, मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर कितना खर्चा आता है, 50,000 रुपये महीने का, 1,00,000 रुपये महीने का, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर आपने अपॉइंट किया सीईओ जैसा टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट, 1,00,000 भी हुआ, साल का 12,00,000, 3 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, 3 साल में 36,00,000, 36,00,000 क्या है, कुछ नहीं. वो 36,00,000 देके आपको अच्छा इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मिल जाता है, आई थिंक दैट इज अ वे वन शुड लुक इन टू इट. और वो आदमी कमिटी के साथ ये करेगा, एंड ही विल बी पेड एम्प्लॉई, एंड अदर्स कैन हैव ए ऑनररियम, सिटिंग फीस वगैरह ले सकते हैं, जैसा बैंक में होता है एक सीईओ अपॉइंट करता है, वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करके आप काम कर सकते हो. एक ही रिस्क है, अकाउंटेबिलिटी. यदि तजुर्बा बिल्कुल नहीं है सोसाइटी वाले को, लेकिन तजुर्बा रहने वाला है आदमी को हम हायर कर सकते, अच्छा प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं. कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है वो उसको इनकम टैक्स के बारे में मालूम नहीं, लेकिन वो सीए को अपॉइंट करता है, सीए को फीस देता है, सीए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है. तो जो बिल्डर है उसको मालूम नहीं है, वो आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, प्लान बना लेता है, उसको कंस्ट्रक्शन मालूम नहीं, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं. आज हमको L&T जैसा अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, थोड़ा सा कीमत ज़्यादा है, लेकिन उनको आप हायर कर सकते हो. तो इसके लिए ये जो रिस्क है, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस नहीं है, वो हम मिटिगेट कर सकते हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके. पैसे के अभाव है, पैसे के अभाव कैसा कर सकते हैं मैं बताता हूँ. और तीसरा जो है हमारा अकाउंटेबिलिटी, आपको अच्छा सीईओ अपॉइंट करना है, अच्छा पैसा देना है. इवन 2,00,000 भी देते हैं तो 72,00,000 बड़ा नहीं है, और 72,00,000 भी बोलेंगे तो 3 साल के लिए बहुत रकम बड़ा नहीं है, अच्छा सीईओ. लेकिन हम लोग क्या है, 500 भी देना है तो क्यों दिया जाए. जो वॉचमैन हमें 25,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन 10,000 में जो मिलता है उसको रखने का है, मतलब क्वालिटी कम ही होगा ना. आप देखो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल का ढंग से पैसा देते हो तो वो वैसा प्रोफेशनल मिलता है, लेकिन हम चॉइस ही गलत आदमी करता है तो गलत रिजल्ट आएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी को जो मेंटेलिटी है फ्री में लेने का, वो फ्री में लेने का, कम से कम लेने का, ये जो मेंटेलिटी है, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वो मेंटेलिटी किधर ना किधर हमें चेंज करना होगा. मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हकीकत है. अभी आते हैं खर्चा कैसा किया जाए और पैसा किधर से आएगा, हाउ टू रेज द फंड, व्हाट आर द फंडिंग ऑप्शंस. लेट अस स्टार्ट विद वन फंडिंग ऑप्शन. द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन इज, आप जो है इनवाइट द एग्जिस्टिंग मेंबर टू बुक द फ्लैट एट कॉस्ट प्राइस
प्लस 20% 30% जो भी है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग मेंबर को, जरा सुन लीजिए, एग्जिस्टिंग मेंबर को जो भी एरिया चाहिए उनको कॉस्ट प्राइस में या 20% ऐड करके दीजिए। तो हमने घाटकोपर में एक मुलुंड गोकुल श्याम है, उधर हम एक करने वाले 36 मेंबर का सोसाइटी है, उधर उन्होंने ये निर्णय लिया जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर को एरिया चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट में देंगे। बिलीव मी, जब उनको बोला गया कि कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, 100% मेंबर्स आर रेडी टू टेक मोर देन 50% एरिया। तो मतलब मेरा जो माल बाहर बेचना था वो उधर का उधर हुआ, और चेयरमैन ने बोला कि मेरा अक्का फ्लोर मुझे चाहिए, वो दो फ्लैट ले रहे हैं, और सेक्रेटरी जो है एडिशनल फ्लैट ले रहा है, 100% एक्स्ट्रा एरिया ले रहा है। अभी सवाल ये आता है, जो आदमी एक फ्लैट की जगह में और दो फ्लैट लेता है, और जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है उसके अलावा एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, उसके अलावा और एक फ्लैट लेता है, क्या वो फ्रॉड करेगा? हाँ, कैसा करेगा? यदि वो फ्रॉड करता है तो उसका पैसा भी गया। और ये हर आदमी को ये अधिकार दिया है कि हर आदमी जितना एक्स्ट्रा एरिया चाहिए वो ले सकते हैं, जब बचा तो ये एरिया होगा। तो इसके लिए आप जो है एग्जिस्टिंग मेंबर को आप बोलते हो कि एडिशनल एरिया ये कॉस्ट में मिलता है, तो मेंबर्स 40-50% मेंबर्स विल टेक एक्स्ट्रा एरिया। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपका आज 500 फुट का जगह है, आपको मालूम है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट कर रहे हैं, हमको 50% एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है, अभी कितना हो गया, 500 के जगह में 750 हो गया। अभी आपको लगता है यदि मैं और मान लीजिए 250 स्क्वायर फुट लेता हूँ कॉस्ट प्राइस में, मेरा अभी 500 फुट का मैं दो फ्लैट ले सकता हूँ, बराबर है कि नहीं? मेरा दो बच्चे हैं, दो बच्चे को मैंने फ्लैट बांट के दिया, ऐसा हो सकता है। दूसरा, एक फ्लैट मैंने रखा, दूसरा फ्लैट मैंने क्या किया, भाड़े में दे दिया, तो रेंट मुझे मिलेगा, तो मेरा फ्लैट का एप्रिसिएशन भी होगा, बाजू का फ्लैट है, मैं देखभाल भी अच्छा कर पाऊंगा। इस तरह से लोग एडिशनल एरिया लेने के सोचते। उसी तरह से आप अपना फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को बुला सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ऐसा करके एक बार आईओडी मिल गया, उसके बाद आप रेरा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रेरा में रजिस्ट्रेशन करके होर्डिंग, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन सब कर सकते हैं, और आपको सोसाइटी रीडेवलपमेंट करती है, टाइटल क्लियर है, रेरा में रजिस्टर्ड है, लोग आएंगे, मेरा ये मानना है। उसके बाद पेमेंट टू बी मेड 50% इन एडवांस, क्योंकि जगह का कीमत ही 60% है, 70% है, लोगों से 50% पेमेंट आप ले सकते हो, और चेक से लेते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। अभी दूसरा हम आते हैं कि बैंक लोन। देखिए, आपका बैंक लोन आसानी से मिलता है। अभी बैंक लोन दो तरीका से हो सकता है, एक सोसाइटी के नाम से यदि बैंक लोन आपको लेना है, जरा सुन लीजिए, सोसाइटी के तरफ से आपको बैंक लोन चाहिए, आपको मुंबई बैंक ही लोन देगा आज के दिन में, दूसरा कोई बैंक लोन नहीं देता, आपको मुंबई बैंक से ही लेना होगा। यदि आपको लगा कि इंडिविजुअली एग्रीमेंट लेते हो, तो इंडिविजुअल लोन जो है आपको मुंबई बैंक 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, कितना, 14%। यदि आप इंडिविजुअल लोन लेते हो, हाउसिंग लोन एक्स्ट्रा फ्लैट के लिए आपका नाम से करके, आपका लड़के का या डॉटर का या जो अर्निंग इनकम वाले, वो आपको 8.5-9% में लोन मिलता है, इधर 14% और इधर कितना, 8.5%। और आप 2-3 साल वो फ्लैट रखो, जैसे ही बन गया आप बेचो, बेचने के बाद आपको क्या मिलेगा, कम से कम 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके लिए मुलुंड गोकुल श्याम में क्या हुआ, सबको लगभग हमने 40% एक्स्ट्रा एरिया देने की बात हुआ, उन्होंने कुछ 20-30% एक्स्ट्रा हर आदमी ने लेने को लग गया, एक आदमी ने तो नया फ्लैट ले लिया, और एक्स्ट्रा जितना एरिया लेते उतना भाव बढ़ते जाता था, फिर भी उन्होंने लिया। और उसके बाद जो एरिया बचा, 36 लोग थे, लगभग कुछ एरिया हर एक को 600 स्क्वायर फुट का एक एक फ्लैट आ रहा। हमने बोला कि अभी हम ऐसा करते हैं, बैंक लोन हम नहीं लेंगे, हर आदमी बैंक लोन लेगा, तो 36 लोगों को 600 स्क्वायर फुट का एक एक फ्लैट दे दिया, जितना एक्स्ट्रा एरिया था वो दे दिया, 600 एक्स्ट्रा एरिया का हर एक को एक एक फ्लैट दिया। अभी आप बेचो, आपको जो भाव में आपका रिलेटिव को बेचना है बेचो, आपको रखना है तो आप रखो,
आपको जो लेना है ले लो, नहीं तो आपका जिम्मेदारी रहेगा वो बैंक लोन लेके पैसा जैसा जैसा कंसेशन के चाहिए वैसा आप देते जाओ। तो इससे क्या हुआ, उनको तो 40% एक्स्ट्रा एरिया भी मिला, उसके बाद रेंट बाड़ा ये सब उसमें शामिल किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, एक्स्ट्रा फ्लैट भी उनको दिया। वो 2 साल के बाद बेचो, 3 साल के बाद बेचो, या आप अपने पास रखो, ऐसे करके हर आदमी को एक्स्ट्रा एरिया के साथ एक फ्लैट और एक्स्ट्रा एडिशनल फ्लैट, गिविंग राइट टू देम लाइक ए बोनस शेयर, आप जो मार्केट में बेचो आपके पास रखो। रिलिंक्विश करना है, दूसरा आदमी को लाना है, लेके आओ, आप डिफरेंस अपना कैश ले लो, जो भी करो, लेकिन आप जिसको बोलेंगे उनको हम फ्लैट बेचेंगे और ये इतना इनकम उनको देना। इस तरह का प्रावधान सेल्फ रिडेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम बैंक लोन भी ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। क्या है, जैसा मैंने बताया पैकेज डील, कॉन्ट्रैक्टर हम क्या कर सकते हैं, पहला प्लान पास कर लेने का, प्लान पास करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा आपको 50 लाख से लेके ज़्यादा ज़्यादा 1 करोड़, जरा सुन लीजिए, 50 लाख से लेके आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 करोड़। हर सोसाइटी में 50 मेंबर है, मुझे नहीं लगता है कि 1-1 लाख नहीं निकाल पाएंगे। आज हम 30-40 साल जूना बिल्डिंग है उसको रिपेयरिंग करने को जाएंगे तो हर आदमी को 2-2 लाख रुपए देना पड़ता है, 3-3 देना पड़ता है, यस और नो? आप समझ लो मैं ये 3 लाख दे रहा हूँ कि, और ये 3 लाख आपको रिफंड मिलने वाला है, 2 लाख आप देने वाले, रिफंड मिलेगा, कब मिलेगा, जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होगा या बैंक लोन मिलेगा, ये पैसा सब आपको रिफंड मिल सकता है। शुरुआत का 50 लाख से 1 करोड़ आपको रेज करना होगा, उस हिसाब से आपको अच्छे तरह से प्लान पास हो सकता है, और प्लान पास होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्टर को आप अपॉइंट करेंगे जिसको बोलते हैं लॉक एंड की, मालूम है आपको लॉक एंड की, आप ये बिल्डिंग बना के दो, आपको 10 फ्लैट दिया जाएगा, 15 फ्लैट दिया जाएगा, और कई बार क्या बोलते हैं कि आपको 15 फ्लैट दिया जाएगा, आप प्लिंथ करेंगे तो 1 फ्लैट बेचो, आपने पहला माला किया तो 2 फ्लैट बेचो, स्टेज वाइज जैसा जैसा, देखिए जैसा जैसा प्रोग्रेस होता है, स्टेज वाइज एज पर दी प्रोग्रेस ऑफ दी वर्क, पहला 2 फ्लोर बनाओ 2 फ्लैट बेचो, और 2 फ्लोर बनाओ 2 फ्लैट बेचो, ऐसा करके कॉन्ट्रैक्टर को आप परमिशन दे सकते हो, और कॉन्ट्रैक्टर को पर्टिकुलर रेट में आप फ्लैट दे सकते हो, और पर्टिकुलर रेट में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये सब मॉडलिटीज। और उनको ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्लैट आपको दे रहे हैं इसका रकम आप पहले हमारे पास जमा करो ताकि हम प्रीमियम भर पाएंगे, हम बाकी का अप्रूवल ले पाएंगे। कई बार कॉन्ट्रैक्टर भी पूरी माल का जैसा इन्वेस्टर का जैसा वो लेने को तैयार होते हैं, और इस तरह का अलग अलग स्कीम हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें टाइम देना होगा, कंसल्टेंट को अच्छे तरह से अपॉइंट करना होगा, ये सेल्फ रिडेवलपमेंट अच्छे तरह से हो सकता है। और फाइनेंस को लेकर और कोई सवाल है, मुंबई बैंक जो लोन दे रही है 50 करोड़ तक लोन दे रही है, 7 साल के लिए लोन दे रही है, आपका लैंड मॉर्गेज करेगी, आपका इंडिविजुअल फ्लैट जो एग्जिस्टिंग वाला है वो मॉर्गेज नहीं होगा, और जो बेचने वाला जगह है विच इज अवेलेबल फॉर सेल दैट विल बी मॉर्गेज, और वो एस्क्रो अकाउंट होगा, एस्क्रो अकाउंट होने की वजह से हमारे पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा, क्योंकि जो जो पेमेंट मुंबई बैंक करेगी उसमें सोसाइटी का भी सिग्नेचर होगा और किसका होगा, बैंक का भी सिग्नेचर होगा, और जो भी पेमेंट आएगा वो चेक से आएगा, वो पूरी बैंक का एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, और जितना पैसा आप बैंक से उठाओगे उतने ही ऊपर आपको ब्याज देना होगा। 85% वो लोन देती है, 15% आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, 15% एक्स्ट्रा एरिया लोगों ने लिया तो 15% उधर ही आ जाता है। और दूसरा, बैंक जो है प्रोजेक्ट लोन में आपको भाड़ा देगी, आपको शिफ्टिंग चार्जेस देगी, आपको पूरा अमाउंट देगी, और महत्वपूर्ण जो लोग गुजराती लोग इधर ज़्यादा है, हम टैक्स के बारे में बहुत सोचते हैं, आपको आश्चर्य होगा यदि हम सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते हो तो 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी लागू होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में क्या है कि एक मेंबर जो अपना जगह दे रहा है एग्जिस्टिंग मेंबर, और नया मेंबर बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई सरप्लस जनरेट होता है, पूरा सरप्लस मेंबर के पास ही रहेगा, और ये मेंबर को जो मिलेगा उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। वही बिल्डर होता है, बिल्डर जो भी प्रॉफिट लेगा उसमें उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये समझना जरूरी है कि हमें GST का कॉम्प्लिकेशन भी कम है। क्या कम है? GST का कॉम्प्लिकेशन भी कम है।
क्योंकि एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए हम जब बनाते हैं तो उधर जीएसटी नहीं होगा, लेकिन यदि हम रीडेवलपमेंट करते हैं, डेवलपर को देता है, डेवलपर जो हमें बांध के देगा वो पूरा बांध के जो देता है उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें जीएसटी भी देना होगा, तो इस तरह से जीएसटी का भी कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा जो सवाल आता है, जो मुझे किरण भाई भी पूछ रहे थे, बराबर ना, वो पूछ रहे थे, मान लो एक आदमी को दो दो फ्लैट हमने दिया, एक फ्लैट का सामने कितना दिया, दो फ्लैट दिया, तो क्या कैपिटल गेन इसमें लगेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो कैपिटल गेन, बिकॉज एग्जिस्टिंग एरिया यू आर सरेंडर्ड, यू आर गेटिंग टू फ्लैट्स इन द सेम कॉम्प्लेक्स सेम वेयर एंड इट इज ए बेनिफिट गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एरिया, यू हैव आस्क्ड फॉर मेकिंग इट टू फ्लैट, अदरवाइज यू वेर सपोज टू गेट वन फ्लैट, मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन व्हाट यू कॉल फैमिली रिक्वायरमेंट, इसके लिए उधर भी आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये मैं 100% मानता हूँ। और इस तरह से आपको जीएसटी का बारे में बेनिफिट लेना है, आपको इनकम टैक्स का बारे में बेनिफिट लेना है, आपको रेरा का जो नया एक क्या बोलते हैं उसको, आप लोग सोचते थे रेरा एक बून है, एक कर्स है, रीडेवलपमेंट का एग्जिस्टिंग सोसाइटी के लिए रेरा इज ए कर्स। आई एम मेकिंग ए पब्लिक स्टेटमेंट, इट इज गोइंग इन द यूट्यूब, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल प्रोटेक्टेड अंडर रेरा, रादर यू विल बी एक्सपोज टू द अनवांटेड लायबिलिटी। बैंक गारंटी भी देने के बावजूद भी वो बैंक गारंटी का भी कोई मतलब नहीं है, लोग बोलते हैं रेरा इसके लिए बैंक गारंटी नहीं देता है और आपको खड्डे में डालेंगे। कोई भी डेवलपर आज बैंक गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं, इसके लिए वो रेरा का नाम ले रहे हैं। यस सर, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज विद 50 करोड़ यू कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट, कमेंस द प्रोजेक्ट, यू कैन कम आउट टू सर्टेन लेवल, यू गेट माई पॉइंट, एंड देयर आफ्टर यू आर गेटिंग ए सेलेबल एरिया, व्हेन यू आर गेटिंग ए सेलेबल एरिया, दैट सेलेबल एरिया कैन बी सोल्ड, मनी कैन बी रिकवर्ड। सर, बिल्डर के पास एक रुपया नहीं रहता है, सुनिए, और सब बोरो करके जमीन का 5-10% देते हैं, और आपको भी पैसा देना है तो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, आपको देते हैं, और फिर माल बेच के कर लेते हैं। सो 50 करोड़ इज इनफ, बट इफ देर आर मोर रिक्वायरमेंट, ओके, यू कैन डिमांड, दे विल गिव, इट इज देयर। देयर इज वन सोसाइटी वेयर दे आर एग्रीड टू गिव 100 करोड़ ऑल्सो, राइट नाउ पॉलिसी इज टू गिव 50 करोड़ in a nutshell, but that will, you will also get 1 minute, you will also get rent, मान लो हमको 3 साल का देना है, आप 5 साल का project करो ना, सुनिए, आपको rent चाहिए 3 साल का, और rent हमें मालूम है इधर 25,000 का rate चलता है, आप 30,000-35,000 का estimate करो, तो आपको जो margin money का जो requirement है वो भी आप adjust कर सकते हो। और महत्वपूर्ण है, यदि bank का loan लेते हो, जरा सुन लीजिए, bank is interested in what? इन देयर इंटरेस्ट, मूडी और उसका इंटरेस्ट, और जब मूडी और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, उधर का भी पीएमसी रहता है, उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना है, उधर भी वैलिडिटी होता है आपका, प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, प्रोजेक्ट बराबर है, वायबल है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बराबर है नहीं है, आप जो मेंबर को एरिया दे रहे वो सही दे रहे कि नहीं दे रहे, ये पूरी चीज उधर होगा। और उसी जब तक नहीं आएगा तब तक बैंक जो है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर नियंत्रण रखेगा, नजर रखेगा, उनका पीएमसी रखेगा, बैंक का ऑफिसर रखेगा, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रखेगा, हमारा कमिटी रखेगा, हमारा मेंबर रखेगा, देखो कितना सेफ्टी नेट हो गया। और रेरा तो रखेगा ही, अपना ऑडिटर भी रखेगा, रेरा में पैसा विड्रॉ करना है तो सर्टिफिकेट लगेगा, ये पूरी नियंत्रण सोसाइटी के पास रहेगा, पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवहार होगा। और इस तरह से मुझे लगता है रेरा के बाद सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना चाहिए, बैंक का लोन आपको मिल जाता है, कोई चिंता नहीं है, ज़्यादा लोन चाहिए तो भी वो भी हो सकता है, और इंडिविजुअल लोन भी बैंक देगी, इंडिविजुअल लोन भी जैसा जैसा होगा, मान लो कोई सेलेबल एरिया है, मुंबई बैंक ने लैंड मॉर्गेज किया और सेलेबल एरिया पूरा मॉर्गेज किया, अभी भाई साहब तो किधर है, ICICI बैंक में, उनको लोन चाहिए, ICICI बैंक को मुंबई बैंक NOC देगा और फिर हिसाब से ICICI बैंक भी लोन देगी। इस तरह से आपको बाहर भी लोन लेना है वो भी प्रावधान है, ऐसा नहीं कि मुंबई बैंक से आपको लोन लेना है। यस,
Absolutely, very good. Existing member का loan है, तो existing flat ही mortgage किया है. मुंबई बैंक आपका existing flat को touch ही नहीं कर रहा है. आपका existing area है, है ना? वो flat mortgage है, land mortgage नहीं है. तो वो flat आप फिर भी no absolutely they will permit. अभी बहुत सारा society में ये होता है, सर हमारे में 100 flat है, 25 flat में loan है. कितना लोन है? अभी रीसेल में लिया है, उनका 1 करोड़ लोन है, इनका 50 लाख है. अभी रीडेवलपमेंट जाना है तो क्या वो 25 बैंक का एनओसी लगेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. अभी आप पूछेंगे क्यों नहीं चाहिए? सेल्फ रीडेवलपमेंट में नहीं चाहिए और रीडेवलपमेंट में भी नहीं चाहिए. अभी आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बैंक ने लोन दिया. किसको दिया? इंडिविजुअल को दिया. सोसाइटी ने एनओसी दिया. यदि वो थर्ड पार्टी सेल करता है तो हम आपको बताएंगे. यदि लीव एंड लाइसेंस में देता है तो बताएंगे. ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को क्रिएट करने को हम बता रहे हैं क्या? नहीं. क्या हो रहा है? उसी आदमी को पहला 500 फुट था, अभी 700 फुट मिल रहा है और उनके साथ हम एडिशनल एग्रीमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं. जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के ऊपर लोन देता है, इधर भी लैंड इंटरेस्ट है, नया फ्लैट मिल रहा है, वो एग्रीमेंट रजिस्टर करके आप उनको ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी करके दे सकते हैं. और ये पूरा कब बताना है आपको? पूरा आईओडी वगैरह आने के बाद. आईओडी आने तक सोसाइटी अपना निर्णय ले सकता है. ध्यान में आ गया ना? तो इसके लिए जितने भी रीडेवलपमेंट प्रपोजल आज आया है, कोई भी बैंक वो रीडेवलपमेंट को रोका नहीं है. एनओसी उन्होंने मांगा भी नहीं, दिया भी नहीं. ठीक है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. यस सर, मैं और आपको एक बोलता हूँ सुनिए. आज तक कोई भी रीडेवलपमेंट हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया नहीं है. वॉट एवर मे बी द लीगल डिस्प्यूट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव नॉट स्टेड एनी रीडेवलपमेंट बिकॉज दे आर अवेयर पीपल आर गोइंग आउट, पीपल आर आउट. इट मे बी इंडिविजुअल इश्यूज विल बी देयर, वी नीड टू सॉर्ट आउट. लेट अस कम टू द पॉइंट. व्हाट आर द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड? व्हाट इज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड? द फर्स्ट सिक्योरिटी विच वी रिक्वायर इज द एग्जिस्टिंग लैंड नीड टू बी मॉर्गेज. सो देयरफॉर इन केस एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर टेकिंग द एडिशनल एरिया, वी कैन गिव देम द अलॉटमेंट लेटर. You need not make an agreement. Secondly, the first preference can be given to the existing people. क्योंकि existing member को पहला preference, top floor चाहिए, second top floor चाहिए, जैसा चाहिए, road facing चाहिए. हो सकता है road facing का पूरा अपना member को दे दो, पीछे के बाजू आप बेचो. क्योंकि आपका ये सब चीज़ जो है we can do. Investor यदि है उनको भी allotment letter से आप दे सकते हो. और मैं आपको एक अच्छा बात बताता हूँ, आज रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि यदि आपको लगता है थोड़ा सा पैसा हमें चाहिए, आपका एग्जिस्टिंग सोसाइटी के मेंबर है, उसमें भी कोई ना कोई इन्वेस्टर होता है, तो इन्वेस्टर से पैसा आप ले सकते हो. बिकॉज इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग ए पार्टनर इन द प्रोजेक्ट. सो रेरा में क्या है, आप आम आदमी से नहीं ले सकते हो, मार्केट से एडवर्टाइजमेंट देके पब्लिक को फ्लैट बेचने का नाम से आप पैसा नहीं ले सकते हो. लेकिन कोई आदमी आता है, वो बोलेगा कि ठीक है मुझे 5000 फुट आप लिख के दे देना, 2000 फुट लिख के दे देना, लेकिन मैं इतना पैसा देता हूँ, ठीक है ना, और ये इतना आप बना के मुझे दे दो. दिस बिकम्स ए इन्वेस्टर एग्रीमेंट. बाय एन इन्वेस्टर एग्रीमेंट वी कैन रेज द मनी इवन दैट 15% विच इज रिक्वायर्ड और 20% 30% रिक्वायर्ड. इनिशियल 50 लाख भी आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हो. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ. अंधेरी ईस्ट में एक सोसाइटी है, उधर 3 करोड़ रुपया लैंड ओनर को देना था. क्यों देने का था? क्योंकि उसमें 6 फ्लैट लैंड ओनर को देने का वादा किया था बिल्डर ने, और लैंड ओनर को 6 फ्लैट नहीं दिया था, इसके लिए कन्वेंस नहीं हो रहा था. और हमने डीम्ड कन्वेंस लेके आया और उसके बाद मैटर गया हाईकोर्ट में. हाईकोर्ट ने बोला कि ये देखो लैंड ओनर का जो ऑब्लिगेशन है वो आप अभी लैंड ले रहे हो तो आपको ऑब्लिगेशन मीट करना है. बिल्डर ने करना था, नहीं किया, लेकिन आपको भी करना चाहिए. लैंड ओनर को नुकसान नहीं होना चाहिए. लैंड उसने दिया था 6 फ्लैट के लिए, अभी फ्लैट ही नहीं है, 25 साल हो गया, आप भी चुप है, वो भी चुप है. आज आप कन्विंस दे रहे हो, लैंड ओनर का उधर एग्रीमेंट में था, सब कुछ था. तो फिर सोसाइटी वाले ने बोला कि ठीक है हम 6 फ्लैट रीडेवलपमेंट में देंगे. तो बोला कि नहीं, हमें रीडेवलपमेंट में नहीं चाहिए. वो ट्रस्ट था, वो बोला कि हमको 6 फ्लैट कब मिलेगा, क्या मिलेगा,
जैसा पहले का बिल्डर ने हमको धोखा दिया छह फ्लैट का, अभी नया बिल्डर आके और धोखा देगा हमें। आप ऐसा करो 50-50 लाख में छह फ्लैट 500 फुट का 10,000 का भाव में हमें दे दो, 3 करोड़ आप दे दो, 500 फुट का फ्लैट आप ले लो, 3,000 फुट जो है आप ले लो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सोसाइटी का 6 लोग तैयार हो गए 50 लाख में। अंधेरी ईस्ट में आज के तारीख में 25,000 पर स्क्वायर फुट कारपेट एरिया का भाव चलता है। 6 आदमी एग्री हो गए, 50-50 लाख दिया, 6 फ्लैट उनको अलॉट कर दिया और वो 3 करोड़ लेके हमने लैंड ओनर को दिया और हमने कन्विंस लिया 28,000 स्क्वायर मीटर का, इतना बड़ा लैंड। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन्वेस्टर को लेकर भी हम अपना बिल्डिंग बना सकते हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर दे सकते हैं, एग्रीमेंट करने का जरूरी नहीं। बाद में जैसा मैंने कहा कि बैंक का लोन भी मिलता है, एनबीएफसी अवेलेबल है, प्राइवेट एनबीएफसी अवेलेबल है, दे आर रेडी टू गिव यू द लोन बाय मॉर्गेज इन सर्टन एरिया, और इंडिविजुअल मेंबर कंसेंट लगेगा, इंडिविजुअल मेंबर का कंसेंट लगेगा। अब ये सवाल आता है सेल्फ रिडेवलपमेंट में कितना कंसेंट लगेगा, जितना कंसेंट रिडेवलपमेंट में लगेगा बिल्डर को अपॉइंट करने के लिए उतना ही कंसेंट सेल्फ रिडेवलपमेंट में भी लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए कंसेंट दो तरीका से लिया जाता है, एक है वॉलंटरी कंसेंट और दूसरा कंसेंट क्या है, लीगल कंसेंट, फोर्सफुल कंसेंट। मान लो 51% लोग तैयार है, बिल्डर को आप अपॉइंट करते हो, बिल्डर क्या करते हैं बाकी का 49 को निकालने के लिए कोर्ट में जाता है, उसी तरह से आप भी कोर्ट में जाके उसको बेघर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और हो सकता है। पहले भी लोगों को बेघर किया, जब डेवलपमेंट होता था लोग पैसा नहीं देते थे, उनका अलॉटमेंट ही नहीं देते थे, ऐसे भी उनको बेघर कर सकते हैं, कोर्ट में जाके हम लोग कंसेंट, फोर्सफुल कंसेंट भी उनसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, जरूर मुश्किल होगा। फिर मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हम करते हैं, उनको टेंडर मंगा सकते हैं, उसके बाद उनके बिड ले सकते हैं, वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। फिर आपको बिना स्टैम्प ड्यूटी, देखिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी 5-6% स्टैम्प ड्यूटी है, अभी 6% है, 6% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% 30,000 रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपको इधर नहीं आएगा सेल्फ रिडेवलपमेंट। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप MOU बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के बाद जब एग्रीमेंट बनाते वो 100 रुपये के ऊपर होता है, नोटराइज होता है, रजिस्ट्री करने का जरूरी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट विल बी ऑलवेज ऑन ए 100 रुपीज स्टैम्प पेपर और मैक्सिमम 500 रुपीज स्टैम्प पेपर। ये जब आप करते हो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी 6% है वो भी बच जाएगा, वो भी मार्केट वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट में 1.5-2 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ये भी आपका बच सकता है। लास्ट है गवर्नमेंट रोल। गवर्नमेंट को हमने बोला था कि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाने वाले को 15% एक्स्ट्रा एरिया दो, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया सेल्फ डेवलपमेंट में जाओ या रिडेवलपमेंट में जाओ या बिल्डर को अपॉइंट करो, फिर भी हम आपको 15% एक्स्ट्रा एरिया इन द नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ प्रीमियम। मतलब आपको 35% एग्जिस्टिंग एरिया का 35% आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलता है फंजिबल FSA के नाम से, जिसके ऊपर आपको प्रीमियम भरना नहीं है, और एडिशनल 15% मिलता है वो भी बिना कोई प्रीमियम देते हुए। बिल्डिंग 30 ईयर्स का ऊपर होना चाहिए, बिल्डिंग शुड बी मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, गरोड़ी नगर मुझे लगता है 30 ईयर्स का ओल्ड है, तो आप ये ले सकते हो। तो अभी हमने बोला था सिंप्लीफाई दी प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, वो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, ऑनलाइन अप्रूवल होता है, और रिव्यूइंग दी प्रोसेस ट्रीट सेल्फ डेवलपमेंट पब्लिक पर्पस वो अभी तक किया नहीं है, ब्रिंगिंग एडिशनल लैंड अलाउिंग FSI वगैरह वो 15% दिया है उन्होंने, और एनकरेज फाइनेंस मिनिस्ट्री मुंबई बैंक को उन्होंने बोला है, अभी NBFC को बोला है, और एक बैंक आया है वो तैयार है, वो है, वो टाइम लगेगा, वो है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो है, इट इज़ ए NBFC जिसका चेयरमैन है हाउसिंग मिनिस्टर, सॉरी कोऑपरेटिव मिनिस्टर, और बाकी का IAS ऑफिसर्स एंड ऑल आर CEO, ऐसे पुणे में इंस्टीट्यूशन है, उसका रिवाइव हो रहा है, और वो भी सेल्फ डेवलपमेंट के फंड देने के लिए तैयार है, टाइम लगेगा, और फिर बाकी का एक एक आएंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल नाम से आप फ्लैट देते हो
इंडिविजुअल नाम से जैसे मैंने बोला 8.5% 9% में आपको 20 साल का लोन मिल सकता है, और ये जो मुंबई बैंक है वो 7 साल के लिए लोन देते हैं। पहला 2 साल के लिए आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट भी देना नहीं, इंटरेस्ट भी देना नहीं, जो भी देना है वो 2 साल के बाद ही चालू होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 13.5% से 14% है, शायद 13% में आ जाएगा। सेटअप रेगुलेटर हमने बोला था गवर्नमेंट को, लेकिन अभी रेरा लग गया, रेरा भी सेल्फ रिडेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको रेगुलेट कर रहा है, इसके लिए रेरा भी है। कमिटी के ऊपर नियंत्रण होगा, कमिटी के ऊपर एक्शन होगा, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगा, क्वार्टरली ईयरली बैलेंस शीट होगा, उसका ऑडिट होगा। तो रेगुलेटर ऑलरेडी आ चुका है। कंसेशन इन द फीस नहीं किया उन्होंने, 15% बिना प्रीमियम का किया है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी कम होगा। अभी लेट अस कम टू द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज एक ही है, यू कैन प्रोवाइड रीजनेबल हाउसेस एट अ रीजनेबल कॉस्ट टू योर मेंबर्स, योर क्लोज रिलेटिव्स, लाइक माइंडेड है, अपॉर्चुनिटी है। और चैलेंजेस क्या है? चेंज ऑफ माइंडसेट, मेंबर का माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल है। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, अभी भी लोगों को डाउट है, क्योंकि मैं बोलूँगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत अच्छा है, ज्वाइंट फैमिली अच्छा है, लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली हमने सोच लिया, बिल्डर को अपॉइंट करने का माइंडसेट बना लिया, हम खुद कौन करेगा, कैसा करेगा, क्या होगा, जैसे कि बहुत बड़ा बोझ लेके बैठा है, जहाँ 50 किलो का वजन की जगह में 200 किलो का वजन लेके बैठा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, वैसा नहीं सोचना चाहिए। लैक ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस स्किल, यस इट इज देयर, बट एनीबडी अंडरस्टैंड्स मैथमेटिक्स, एंड लास्ट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी।